इट्स कॉल्ड के ये टैग नंबर 21 रॉकस्टार। रॉकस्टार खेमे में ये खुशी का माहौल, क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। टैग नंबर 21 रॉकस्टार और सोनू ने विकास पटेल, विकास पटेल सर, विकास पटेल जी यहाँ पे आए हैं गुजरात वडोदरा से, गुजरात वडोदरा से ये भारी भरकम टीम यहाँ पे मौजूद है। सभी हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद है वडोदरा से, गुजरात से। मैं संतोष पवार साहब यांना विनंती करतो, आपण इथे आमंत्रित आहात, सन्माननीय श्री संतोष जी पवार साहब आपण इथे आमंत्रित आहात, कार्यकारी शास आणि रोजेट प्रदान करण्यासाठी। भैया थोड़ा संतोष पवार जी का नाम है, इतना रॉक स्टार द हॉर्स नेम, हॉर्स ओनर नेम इज विकास पटेल, वडोदरा से, गुजरात से, लंबी टीम और बहुत एनर्जेटिक। क्या बात वडोदरा ने यहाँ पे बाजी मारी है दोस्तों, बहुत बढ़िया। शैश और रोजेन देते हुए ये सभी टीम मेंबर्स हमारे चीफ गेस्ट और दोस्तों, काफ़ी फख्र और गर्व महसूस होता है छतक फेस्टिवल में जब बहुत सारे अलग अलग राज्यों से यहाँ पर ये अश्व आते हैं और प्राइज विनिंग करते हैं, बहुत मज़ा आता है। दर्शक गौर फरमाइएगा, दूसरी रिंग यहाँ पे तुरंत होने वाली है, तो दोस्तों प्लीज़ यहाँ पे बने रहिएगा हमारे साथ। इस दिसंबर की सर्दी के मौसम में ये माहौल गर्मा हुआ और आइए अगली पोजीशन सेकंड रैंक, सेकंड नंबर विनर यहाँ पे है। थोड़ा ग्रुप में आ जाओ भाई साहब, ग्रुप में थोड़ी मशक्कत के बाद हमारे जजेस इस नतीजे पे पहुंचे हैं। यहाँ देखो फोटोग्राफ, मेमोरेबल मोमेंट्स। हमारी टीम, ये कैमरा टीम्स, यूट्यूब चैनल्स और सभी हमारी टीम अपने कैमरा में कैद करते हुए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कॉल की ये छतक फेस्टिवल सारंगखेड़ा का ये आज का ये कैटेगरी और ये आज की कैटेगरी मारवाड़ी टू थी कॉल में सेकंड पोजीशन पे है टैग नंबर 23 23 नंबर। खेमे में खुशी का माहौल, जोरदार तालियां हो जाए। सेकंड पोजीशन पे है 23 आरती और इसके यहाँ पे है उम्दा, ये बहुत ही उम्दा अश्व, ये घोड़ा यानी कि ये अश्व नाम है अर्पी, हॉर्स नेम इज अर्पी एंड हॉर्स ओनर नेम इज इमरान पिरानी जी। यहाँ पे मैं रंजित देशमुख साहब को इनवाइट करूंगा, हमारे मुन्ना दादा भी यहाँ पे मौजूद है आज दोस्तों इस फेलिसिटेशन सेरेमनी में। 23rd नंबर, टैग नंबर 23 आरपी इमरान पिरानी जी यहाँ पर द ओनर। हाँ जी 2021 में या सारंगखेड़ा में चेतक फेस्टिवल में जो विनिंग हॉर्स था काजिंग, तो उसी का ये प्यारा बच्चा आज यहाँ पे फिर से एक बार, फख्र की बात है, जो पिता ने किया वही बच्चे ने पाया, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। इमरान पिरानी जी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आ रहा हूँ आपके पास जरूर। आरपी ये आए हैं मुझे लगता है गोवा से, क्या बात है, मैं यही सोच रहा हूँ महाराष्ट्र गुजरात अहमदाबाद सारे हो गए, तमिलनाडु हो गया, गोवा कहाँ रह गया, गोवा भी आ गया, क्या बात है, सबकी फेवरेट प्लेस जहाँ हम सब साल में एक बार जरूर जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं। सो गोवा से आए हैं, मैं इमरान पिरानी जी के पास जाना चाहूंगा, ऐसे ही खड़े रहिएगा। रोजेट यहाँ पे प्रदान
म्यूजिक बंद कीजिए। सब लोग एक मिनट, वन बाय वन लाइनअप हो जाइए ना, हॉर्स के लेफ्ट और राइट में प्लीज, हॉर्स के लेफ्ट और राइट में प्लेस हो जाइए। मैं हमारे इमरान पिरानी जी से यहाँ पे दो शब्द, उन्हें अपनी ये फीडबैक या कॉम्प्लीमेंट देनी है। ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। ये यंग मैन बहुत ही बढ़िया चुस्त तंदुरुस्त हमारे इमरान पिरानी जी, बहुत बार क्या बात। ये मेहनत होती है, ये लगन होती है और ये उसका फल है, ये मेहनत का फल है दोस्तों, ये खुशी के आंसू है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुन्नादा, क्या बात है। आपने हंसाने के लिए जीतू भाई को यहाँ पे बुलाया और सही बात, यहाँ पे इमरान पिरानी जी की खुशी के आंसू निकल गए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुन्ना दादा आपको भी यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। ये मेहनत है दोस्तों, ये मोमेंट है, ये मेमोरेबल मोमेंट है दोस्तों इस चेतक फेस्टिवल का। लोग कनेक्टेड है अपने हार्ट से, बॉटम ऑफ हार्ट से। देखिए ये खुशी के वो पल है। कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान पिरानी जी, आर यू रेडी? मैं पानी पिलाने की गुजारिश करूंगा हमारी टीम से, प्लीज वाटर बॉटल लेके आइए, जो भी लाना दो लाना, दो वाटर बॉटल्स प्लीज, फास्ट फास्ट, या एक क्यू फॉर एक, बिल्कुल मुफ्त 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 फ्री वाटर बॉटल लाइए। सो इमरान जी, इमरान जी से मैं गुजारिश करूंगा, कैसे लग रहा है आज पिरानी जी, क्या बताएंगे? मित्रानो जय भवानी, जय शिवानी। माझी मराठी तितकी चांगली नाही पण मी हिंदी मध्ये बोलणार। हर एक बच्चे का सपना होता है भले वो हॉस्टेल हो, सारंग खेड़ा में आके मुन्ना भाई के पैर टच करना। मैं रोया इसलिए कि आज मुन्ना दादा मेरे बाजू में और इस घोड़े के साथ में फोटो खींचे हैं। राहुल बोराड़े जी भाई शुक्र देने वाले हैं, एक मेरे जिंदगी के साथ में 5 साल हमेशा खड़े रहे थे। वैसे बहुत सारे लोग हैं, आशीष भाई है, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गिरिराज कटफा। मैंने इस बच्चे को खुद ने पैदा करके सपना लिया था कि सारंग खेड़ा में जीतूंगा और मैं यही कहूंगा कि अपने आप में विश्वास रखो, किसी के बातों पे मत आओ, कोई कुछ भी बोले, बस दिल में विश्वास रखो और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आग है वो दिल में लगा के चलो और एक दिन ये घोड़ा ऐसा आपका भी घोड़ा हो सकता है। बस थैंक यू वेरी मच, जय महाराष्ट्र। जोरदार ताली इमरान भाई के, जोरदार तालियां हो जाए इमरान पिरानी जी के लिए। इंस्पिरेशन क्या बात है, औरों को भी इंस्पिरेशन देते हुए कि ऐसे आप भी आपके दिलों में आग रखिएगा, जुनून रखिए, हौसला रखिए, क्योंकि यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों यू ही दुनिया में जय जयकार नहीं होती, यू ही दुनिया में जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। शुक्रिया, शुक्रिया। सो दोस्तों आइए, वक्त हो चला है अगला मोमेंट, बहुत ही हार्ट टच, प्लीज म्यूजिक बंद कीजिए प्लीज जरा थोड़ा। हेलो दादा, म्यूजिक थांबवा, म्यूजिक थांबवा, हलगी वाले भाऊ एक नंबर अनाउंस केलं की सगळ्यांनी मग जल्लोष करायचा। मुन्ना दादा इथे उपस्थित आहेत, आपलं स्वागत। वाद्य तिकडे बंद करा, हॅलो वाद्य बंद करा प्लीज, हलगी वादक, हलगी वादक, हलगी वादक। सो मारवाडी टूथ इट कॉल्ड, मारवाडी टूथ इट कॉल्ड फर्स्ट पोझिशन, आणि ती फर्स्ट पोझिशन मुन्ना दादा मी इथे जी अनाऊन्स करणार आहे त्याच्या मागचं कारण आहे आणि ते कारण आपल्याला कळेलच। सो मी सेकंडचा लडका विनोदी कलाकार जितू दादा इथे अनाऊन्स करतो पुढचा नंबर फर्स्ट पोझिशन एका वेगळ्या शैलीमध्ये, जरी ते बॉलिवूड आणि आपल्या मराठी सिनेमाचे ऍक्टर मकरंद अनस पुरे सर असते तर कसं अनाऊन्स केलं असतं। राम राम मंडळी, आग भाऊ चेतक फेस्टिवल काय दंखाय, आग आगा गब्बा भाऊ आणि आपल्या मुन्ना दादा साठी जरा टाळ्या हाना ना मित्रांनो, आग आगा गब्बा भाऊ, अरे गागा काय माणूस आहे आणि काय हे नियोजन आहे आणि बरका मंडळी
चेतक फेस्टिवल सारंगखेडा आपल्या महाराष्ट्राची भूमी. आणि बरं का या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये मित्रांनो या मारवाडी टूटीत क्वाल्ट मध्ये बरं का परवापर्यंत सगळं डोक्यावरनं जात होतं, आता माझ्या सगळं डोक्यात घुसलंय. त्याच्यामुळे आता मारवाडी टू तिथ कॉल मित्रांनो या ठिकाणी मी अनाऊन्स करतो बरखो आनंद लाडकर हे आपले हे बाभाऊ मुन्ना दादा यांनाही आमंत्रित करतो. आणि पहिल्या पोझिशनला या ठिकाणी मी आलेला आहे टॅग नंबर विनिंग हे चाललंय इंदापूर महाराष्ट्र इकडं. म्हणून मकरण सर आले इथं अनाऊन्स करायला. अतुल माने आणि टॅग नंबर जिंकलेला आहे बर का गंगे. अग 10 नंबर जिंकला ना बाई अग बाबा ए टाळ्या वाजवा ना पोराव टाळ्या झाल्या पाहिजे जरा. हिंदी में फर्स्ट पोजिशन यहाँ पे विनिंग की है. फर्स्ट पोजिशन टैग नंबर 10 हॉर्स नेम रिबेल हॉर्स ओनर नेम इज अतुल माने इंदापूर महाराष्ट्र. मी रंजित दादा कुकडे आणि प्रणय दादा रावल यांना विनंती करतो आपण शास आणि या ठिकाणी टॅग या ठिकाणी रोजेट द्यायला येते. अभिनंदन कॉन्ग्रॅच्युलेशन. अरे माला कुठे राहिला मालिक मालिक कुठे राहिला अतुल माने इंदापूर महाराष्ट्र. सुरंजित दादा कुकडे आणि प्रणय दादा रावल आणि इतर आमचे चीफ गेस्ट यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी हे प्रदान करायचे. कॅमेरा टीम एक्साइटमेंट बहुत है मला कल्पना है. थोड़ा पीछे हो जाइए कैमरा टीम थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज प्लीज. हॉर्स ये अश्व बहुत ही उम्दा बहुत ही एनर्जेटिक है सो प्लीज मैं विनती कर रहा हूँ कैमरा टीम थोड़ा पीछे हो जाइए सब लोग. पहले ही मौसम बहुत गर्माया हुआ है और यहाँ पे सर्दियों में ये गर्मियों का एहसास हो रहा है दोस्तों. थोड़ा लंबा हो जाइए हवा आने दीजिएगा प्लीज. रिंग मध्ये प्लीज रिंग मध्ये गर्दी त्या ठिकाणी. शेष आणि एक रोजित रंजित दादा कुकडे प्रणय दादा रावल अपने